रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, रांची यूनिवर्सिटी, रांची। आज के मेरे क्लास का विषय है डिसर्टेशन राइटिंग। एमए फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए डिसर्टेशन तैयार करना व प्रेजेंट करना होता है। डिसर्टेशन शैक्षिक उपाधि जैसे एमए, एमएससी, एमफिल आदि की डिग्री प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। यह पीएचडी की तैयारी में भी काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि इसकी संरचना प्रायः वही होती है जो पीएचडी शोध प्रबंध की होती है। इसे शोध प्रबंध का छोटा अंश या संक्षिप्त रूप माना जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि मानवता के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शोध अति आवश्यक होता है। डिसर्टेशन को भी लघु शोध प्रबंध के रूप में तैयार किया जाता है। डिसर्टेशन शोध प्रबंध की तरह ही किसी चिंतात्मक अथवा अनुभविक विषय पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसका विषय थोड़ा छोटा और कम जटिल रखा जाता है। विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय, धन, साधन, क्षमता इत्यादि का काफ़ी महत्व होता है। साथ ही अध्ययनकर्ता की रुचि, नैतिक दृष्टिकोण, विषय की जानकारी आदि भी अध्ययन को प्रभावित करता है। विभिन्न विषयों में जो डिसर्टेशन तैयार किया जाता है उनमें थोड़ी भिन्नता तो लाजमी है, पर इसके कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाता है। गृह विज्ञान विषय में डिसर्टेशन लिखते समय जिन चरणों को फॉलो किया जाता है उनमें पहला है शोध समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। डिसर्टेशन या किसी भी प्रकार के शोध का सबसे पहला एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण उपयुक्त शोध समस्या का चुनाव करना होता है, जिसमें विद्यार्थी अपने गाइड या शिक्षक की मदद ले सकते हैं, क्योंकि समस्या को पहचानना एवं उसके स्वरूप का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। अतः शोध विषय का निरूपण करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि शोध समस्या शोधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं तथा अभिरुचियों के अनुकूल हो, समाजोपयोगी हो, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला ना हो तथा समस्या से संबंधित तथ्य आसानी से उपलब्ध होने वाला हो। समस्या का चुनाव यदि सही होता है तो आगे का कार्य काफ़ी आसान हो जाता है और अध्ययनकर्ता अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। दूसरे चरण में आता है परिचय, इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत शोध समस्या के विभिन्न पक्षों के विषय में संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है। शीर्षक में यदि कोई पारिभाषिक शब्द है तो उसे डिफाइन कर दिया जाता है ताकि वह स्पष्ट हो सके। जैसे यदि कोई मालनरिस्ट चिल्ड्रन पे या कुपोषित बच्चों पर अध्ययन कार्य करना चाहता है तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह अंडर नरिश्ड चिल्ड्रेन पर काम करेगा या फिर ओवर नरिश्ड चिल्ड्रेन पर, क्योंकि दोनों ही फॉर्म माल नरिशमेंट के अंडर ही आता है। परिचय के अंतर्गत माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हमारे देश में कुपोषण की क्या स्थिति है, यह क्यों होता है आदि बातों की चर्चा इंट्रोडक्शन में किया जाएगा। तृतीय चरण आता है साहित्य समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके अंतर्गत लिए गए शोध समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा की जाती है।
पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, शोध प्रतिवेदनों, प्रलेखों, आलेखों, वेबसाइटों आदि के माध्यम से यह जाना जाता है कि अभी तक क्या क्या कार्य हुए हैं और क्या क्या निष्कर्ष आया है। साहित्य का अध्ययन एवं समीक्षा कर लेने से न केवल अनुसंधानकर्ता को एक दिशा मिलती है, बल्कि उन सभी विचारों, पद्धतियों, अप्रोचेस, कठिनाइयां तथा निष्कर्षों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिसकी सहायता से अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित करने में सहायता मिलती है। इसका एक फायदा यह भी होता है कि समस्या के जिन पहलुओं पर कार्य कम हुआ होता है वह पता चल जाता है तथा उस गैप को भरने का कार्य प्रस्तुत शोध के द्वारा किया जा सकता है। साहित्य समीक्षा क्रिटिकली की जानी चाहिए ताकि उससे प्राप्त अंतर्दृष्टि से अपने शोध कार्य को शोधार्थी व्यवस्थित कर सके। साहित्य समीक्षा से अनुसंधान के उद्देश्यों के निर्धारण एवं परिकल्पना की रचना में भी सहायता मिलती है। डिसर्टेशन राइटिंग का फोर्थ स्टेज होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, शोध का उद्देश्य। इस स्टेज में शोध के उद्देश्यों का निर्धारण बड़े ही सरल व स्पष्ट शब्दों में कर लिया जाता है, जैसे बच्चों में कुपोषण की समस्या का अध्ययन करना है तो इस अध्ययन के लिए क्या क्या किया जाएगा उसी को पॉइंट वाइज उद्देश्य बना लिया जाता है, जैसे कुपोषण के कारणों का अध्ययन करना, पोषण के विषय में माता पिता के जागरूकता का पता लगाना, बच्चों को दिए जाने वाले आहार का अध्ययन करना आदि। इन उद्देश्यों को निर्धारित करते ही यह पता चल जाता है कि अध्ययन में हम किन किन चरों को शामिल कर रहे हैं, और जब वेरिएबल स्पष्ट हो जाते हैं तब परिकल्पना बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। फिफ्थ स्टेज होता है परिकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों या अवधारणाओं के बीच के अनुमानित संबंधों के जांच योग्य कथन होता है, जिसकी प्रामाणिकता का परीक्षण अनुसंधान कार्य के दौरान एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर किया जाता है। परिकल्पना अनुसंधान कार्य की दिशा निर्धारित करती है, जिससे अनुसंधानकर्ता इधर उधर भटकने से बच जाता है। जैसे यदि हम परिकल्पना बनाते हैं कि संतुलित भोजन के अभाव से कुपोषण होता है, माता पिता के जागरूकता का प्रभाव पोषण स्तर पर पड़ता है, गरीबी का प्रभाव पोषण स्तर पर पड़ता है इत्यादि, इन परिकल्पनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि पोषण स्तर जो कि यहाँ आश्रित चर है उस पर स्वतंत्र चर गरीबी, संतुलित भोजन, माता पिता की जागरूकता आदि का प्रभाव देखना है। वास्तविक अध्ययन में इन्हीं परिकल्पनाओं की जांच की जाती है। 50% संभावना होती है कि परिकल्पना स्टडी में एक्सेप्ट होगी और उतनी ही संभावना रिजेक्शन की भी होती है। परिकल्पनाओं के एम्पिरिकल टेस्ट के लिए स्टैटिस्टिकल मेजर्स जैसे काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, कोरिलेशन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। सिक्स्थ स्टेज पर आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध पद्धतियाँ। इसके तहत अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, सूचनाओं के चयन की पद्धति जैसे सेंसस मेथड से स्टडी करना है या सैम्पलिंग के द्वारा, साइज ऑफ सैंपल, मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन, सूचना के स्रोत का निर्धारण प्राइमरी या सेकेंडरी और बोथ, सूचना संकलन के लिए प्रविधियों का चयन व निर्माण आता है। तथ्य संकलन की कई प्रविधियाँ हैं जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार, केस स्टडी इत्यादि। आंकड़ा किस प्रविधि के द्वारा संकलित करना है यह तय करने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, पहला अध्ययन का स्वरूप व दूसरा प्रतिदर्श की विशेषताएं। पढ़े लिखे लोगों से तो प्रश्नावली के माध्यम से डेटा प्राप्त किया जा सकता है, पर अशिक्षित और बच्चों से डेटा प्राप्त करने के लिए अनुसूची विधि सर्वोत्तम होती है।
अनुसूची विधि से तथ्य प्राप्त करने में अवलोकन भी साथ में हो जाता है। प्रविधि तय करने के पश्चात तदनुसार प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और पायलट स्टडी के द्वारा प्रश्नों की वैधता की जांच कर ली जाती है। कुछ रिसर्च में स्केल यूज किए जाते हैं तो कुछ में स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसका अन्यत्र उपयोग हो चुका होता है उससे भी अध्ययन किया जा सकता है। सेवेंथ स्टेज में आता है परिणाम एवं विश्लेषण, रिजल्ट एंड डिस्कशन। इसे डेटा एंड एनालिसिस, आंकड़ा एवं विश्लेषण के कॉलम में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस स्टेज में अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का कोडिंग, क्लासिफिकेशन एवं टेबुलेशन किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों को ग्राफ, चार्ट, चित्रों, रेखा चित्रों आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और फिर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के माध्यम से कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जाता है, यानी आंकड़ों के आधार पर विभिन्न तथ्यों तथा चरों की तुलना कर उनके बीच पाए जाने वाले एसोसिएशन को स्पष्ट किया जाता है। वर्तमान समय में तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके लिए मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट इत्यादि की सहायता ली जाती है। अंतिम स्टेज में निष्कर्ष एवं सुझाव, कंक्लूजन एंड सजेशंस आता है। इस चरण में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को लिखा जाता है। निष्कर्षों को पॉइंट वाइज लिखना अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि रिसर्च के विभिन्न पक्षों की विस्तृत जानकारी इसमें समाहित हो जाती है। प्राप्त निष्कर्ष के आलोक में सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन पर अमल कर सरकार, गैर सरकारी संगठन, समाज सेवी, नेता इत्यादि के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं और अध्ययन का अप्लाइड ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, यानी समस्या के समाधान के रास्ते प्रशस्त होते हैं। डिसर्टेशन हमें से सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य भाषा में लिखा जाना चाहिए, ताकि आम जनता भी उससे लाभ उठा सके। अध्ययन के क्रम में कुछ वैसे विषय भी सामने आते हैं जिन पर भविष्य में अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे टॉपिक्स को स्कोप फॉर फ्यूचर स्टडी, भविष्य के अध्ययन के क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है, जिस पर दूसरे रिसर्चर कार्य कर सकते हैं। लघु शोध प्रबंध के अंत में अध्ययन विषय से संबंधित संदर्भ ग्रंथ सूची का उल्लेख करना आवश्यक होता है। संदर्भ ग्रंथ सूची में राइटर का टाइटल पहले और नाम उसके बाद लिखा जाता है। यह हिंदी या इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। गजट, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, रेफरेंस बुक्स, वेबसाइट इत्यादि से ली गई सामग्री, पेपर से ली गई सामग्री, सभी को एक साथ मिलाकर नहीं बल्कि अलग अलग हेडिंग्स बनाकर अरेंज करना चाहिए। सरकारी दस्तावेज या सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्राप्त सूचना वाले रेफरेंस को पहले स्थान देना चाहिए, उसके बाद बुक्स, जर्नल्स आदि का। डिसर्टेशन में दी गई सभी सूचनाएं विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हो तथा पूर्वाग्रह से मुक्त हो, इसके लिए डेटा कलेक्शन के समय यथासंभव ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।